पानी, वाणी, ईंधन, दूध इतना लीजिए छान। इनको छानने की बात कही शास्त्रों में। पानी को हमेशा छानकर उपयोग करना चाहिए। अब तो हैंड पाइप घर घर में आ गए हैं। पहले तो महाराज किसी जोहड़ से पानी भर कर लाना पड़ता था, किसी तालाब से पानी भर कर लाना पड़ता था, किसी सरोवर से पानी भर कर लाना पड़ता था। उसमें जीव जंतु बहुत अधिक होते थे तो उस पानी को छानकर उपयोग करते थे। अभी भी घर घर में देखो वाटर फिल्टर लगे हैं, आरओ लगे हैं, सभी लोग जल छानकर उपयोग करते हैं। तो पानी को छानकर ही उपयोग करना चाहिए। पानी और एक वाणी, वाणी को भी व्यक्ति को बड़े सोच विचार कर बोलना चाहिए। जो लोग बिना विचारे बोलते हैं उन्हें बाद में पछतावा होता है, मैंने इसे क्यों बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जैसे बोलने से किसी को कष्ट हो, जिसके बोलने जिसको किसी को पीड़ा हो, किसी को अपमान का सामना करना पड़े, कभी ऐसी वाणी मत बोलना। वाणी को सोच विचार कर बोलना। चूंकि शब्द सवारे बोलिए, शब्द हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि, एक शब्द है घाव। एक शब्द औषधि का काम करता है और एक शब्द महाराज विष अर्थात जहर का काम करता है। एक शब्द से किसी का अपमान हो जाता है, एक शब्द से किसी का सम्मान बढ़ जाता है, एक शब्द से किसी की निंदा होती है, एक शब्द से किसी की प्रशंसा होती है। ऐसे शब्द बोलना जिससे सुनने वाले को भी आनंद आए और बोलने वाले को भी आनंद आए। इसलिए पानी, वाणी, ईंधन, ईंधन को कैसे छाने जी? ये माताएं बहनें सीधी भट्टी में आग लगाती हैं और जो महाराज सीधी थेपलियां उठाकर भट्टी में डाल देती हैं, लक्कड़ उठाकर सीधे भट्टी में जोग देती हैं, जानते हो थेपड़ियों में कितने जीव होते हैं? जानते हो लकड़ों में कितने जीव होते हैं? तो ही महाराज पूछ रहे हैं कैसे छाने इसको।